हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ये इतनी बड़ी स्टोरी थी कि मेरे से नहीं रहा गया। किसको आइडिया था कि एक छुई मुई सी लड़की एक बहुत बड़े ड्रामे में डरी हुई डरपोक लड़की का किरदार अदा करने वाली, हम सफर से फेम पाने वाली। मम्मी आप क्या कह रही हैं? पहली बार पाकिस्तान को ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रही हैं हॉलीवुड का जो सबसे बड़ा मूवी फेस्टिवल होता है पूरी दुनिया में, जहाँ पे दुनिया भर से टॉप सेलिब्रिटीज आते हैं। यस, कांस फिल्म फेस्टिवल। हेलो एवरीवन, दिस इज माहिरा खान एंड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग लॉरियल पाकिस्तान एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। माहिरा खान अभी रिसेंटली फैशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है लॉरियल पेरिस, उसकी पाकिस्तान में ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट हुई थी। और उसके बाद उनकी कांस वाली जो रात थी वो हमवार हो गई थी। 4 मई को उन्होंने एक अनाउंसमेंट टाइप की पोस्ट लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें आर्नल्ड की पिक्चर थी और 1977 में जब उन्होंने कांस में शिरकत की थी। और अभी कांस पहुँचते ही उन्होंने 2 इंस्टाग्राम की पिक्चर्स और एक स्टोरी अपडेट की है, और वो दिखा रही हैं और हम सबको जेलस कर रही हैं कि वो कितना इंजॉय कर रही हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के लर्व के बारे में। लर्व, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से जो मेल सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो मेल ज़्यादा होते हैं वो बड़ा इनका खून जोश मार रहा होता है, हर जगह लड़े होते हैं ट्विटर पे। इवन हमारे क्रिकेटर्स भी एक दूसरे को नहीं बख्शते। आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर एंड सुरेश रैना, क्या हाल किया था इन्होंने एक दूसरे का। ऋषि कपूर और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व होती रहती हैं फड्डों में। और दूसरी तरफ ये जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं ये किसी रैंडम सहेलियों की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रही होती हैं। इनको कोई परवाह नहीं कि केड़ा पाकिस्तान तो है, केड़ा इंडिया से है, कौन हॉलीवुड से है तो कौन कांस से है। और ये जो डेवलपमेंट हुई इस हॉस्टाइल माहौल में, मैं जो अभी आपको अपडेट करूँगा, इसने पूरी फिजा को लर्व ज़दा कर दिया। तो सोनम कपूर की जब शादी हुई तो माहिरा खान ने उनको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनम कॉन्ग्रेचुलेशंस, विशिंग यू अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, इंशाल्लाह लॉट्स ऑफ लव। उसके बाद सोनम कपूर ने जो रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच माहिरा, कांट वेट टू हैंग आउट विद यू एट कांस। और फिर माहिरा खान ने उनको रिप्लाई किया कि सी यू सून। पॉलिटिक्स वो किस बला का नाम है, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ अपनी दोस्ती का पता है, अपने मेकअप का पता है और अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट का पता है। तो अच्छी बात है यार, अपनी लाइफ एंजॉय करो, क्या किसी फड्डे में पड़ना, इनसे सीखो आप। इसके सोनम कपूर के साथ साथ ऐश्वर्या और दीपिका भी ज्वाइन करेंगी माहिरा खान को कांस फिल्म फेस्टिवल में। और वी आर सो एक्साइटेड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह पाकिस्तानी और इंडियन सेलिब्रिटीज कांस में इकट्ठे हैंग आउट करते हैं। 15 मई को रेड कार्पेट है, ये डेट्स आप लोग लिख लें, जिसमें सोनम कपूर और माहिरा खान इकट्ठी रेड कार्पेट पर जलवा अफरोज होंगी। और देखते हैं जी माहिरा वहाँ पे क्या तहलका मचाती हैं। बड़ा सपोर्ट करना चाहिए हमें, पहली बार कोई ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से जा रही है, कोई ऐसा बड़ा नाम जा रहा है, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान से भी एक ऐसे आर्टिस्ट निकल रहे हैं, हमारी इतनी फ्रेजाइल इंडस्ट्री होने के बावजूद वो लोग हैं जो जिनमें इतनी कैपेबिलिटी है और इतना करिश्मा है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इतने बड़े स्केल के इवेंट्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो वेल डन एंड गुड लक माहिरा खान। माहिरा खान के तो जी सितारे फुल चढ़े हुए हैं, लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, कांस फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही हैं, इसके अलावा उनकी मूवी भी आने वाली है 7 दिन मोहब्बत इन, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। तो हम सफर में एक डरी हुई बहू का किरदार अदा करने वाली, जो हर वक्त बोलती थी मम्मी आप क्या कह रही हैं, से अब वो बन चुकी हैं कि मम्मी आप देख लेंगे। तो क्या लेवल है भाई माहिरा खान का, अल्लाह ने चाहा तो कभी हम भी यू नो व्हाट आई मीन। तो खैर इस बात को छोड़े, आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि जी हम डिस्कस करें मरी का जो इस वक्त रौला मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। कुछ फेक वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं, कुछ 6-6 साल पुरानी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो आप लोग फिक्र ना करें, हम ऑथेंटिक बंदों के पास से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको मरी के बारे में हम अपडेट करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है, क्या ये प्रोपेगेंडा है या वाकई कुछ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको पाकिस्तान और ग्लोबली वो न्यूज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रॉपरली जिनकी कवरेज नहीं होती वो आप तक टाइम पर पहुंच जाए हमारे प्लेटफॉर्म के।